अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सितारा फैशन SKR। आज हम आपको एक ब्लोची फ्रॉक की सिंपल कटिंग करना सिखाएंगे कि कैसे एक ब्लोची फ्रॉक की कटिंग की जाती है। और अगर आपने इसकी स्टिचिंग देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो देख सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर चलिए शुरू करते हैं। और पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे चैनल पर न्यू हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल के आइकन पर प्रेस कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारी कोई भी नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी बर वक्त पहुँच जाएगी। सबसे पहले हम इसको इस तरह से लकीर लगाएंगे एक, उसके बाद इसका शोल्डर जो है 13.5 इंच है, ये देखें 7.25 रखेंगे तो हम 8.25 रखेंगे, माना 1 इंच इसको डबल में बढ़ाएंगे। उसके बाद वैसे ही हम यहाँ पर भी 8.25 पे निशान लगाएंगे और इसका मोढ़ा में रख रहा हूँ 8 इंच, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद जो है हम इसकी कमर का निशान लगाएंगे 14.5 पे। उसके बाद इसका सीना है तकरीबन 19 इंच, तो हम इसको रखेंगे 20.5, माना 1 इंच इसको बड़ा करेंगे। उसके बाद इसकी कमर है 16 इंच, हम इसको 1 इंच बड़ा करेंगे। इस तरीके से हमने इसको 1 इंच बड़ा करके काट लिया। उसके बाद अभी हम इसको निशान लगा लेंगे। आपका जो भी नाप है उससे आपने 1-1 इंच इसको बड़ा रखना है, माना डबल में जो है 1 इंच, और अगर सिंगल में आप नापेंगे तो 2 इंच तकरीबन मैक्सिमम इसको हम बड़ा रखेंगे। तो ये देखें इसको मैंने निशान लगाए। इस तरीके से निशान लगाने के बाद कमर से जो है अंदर की तरफ अभी हम नापेंगे इसे, ऐसे 3.5 इंच पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे। आप लोग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे यहाँ से नाप लेंगे ऊपर से निशान लगाने के लिए, इस तरह 6.25, तो 6.25 पे मैं इसके निशान लगाऊंगा। ये निशान तकरीबन नीचे तक हम लगाएंगे, फिर इसको निशान लगा के इसको कटिंग करेंगे तरीके से। अभी हम स्केल से इसके ऊपर निशान लगाएंगे। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। ये निशान हमारे सारे लग चुके हैं, अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस निशान से हम तकरीबन 1/2 इंच ऊपर से काटना शुरू करेंगे। उसके बाद हम इसको क्रॉस में इस तरह अपने निशान तक काटते हुए ले आएंगे। देखें यहाँ से सीधा काट देंगे इस तरीके से। अभी जो है हम इसके मोढ़े की हल्की सी गोलाई में पहले चारों एक साथ काट देंगे और इसका दबाव जो है आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। ये देखें मैं तकरीबन 1.5-2 इंच का दबाव छोड़ रहा हूँ। उसके बाद हम इसको इस निशान तक कट कर लेंगे। ये देखें अभी हम इसको इस निशान से कट करेंगे। देखें ये आपकी आसानी के लिए मैंने वीडियो की स्पीड को बढ़ाया नहीं है ताकि आप लोगों को सही तरीके से मैं इसकी कटिंग समझा सकूं। आपका जो भी नाप होगा, फिटिंग होगी, आप अगर इस तरह डबल में कटिंग करेंगे जिस तरह मैं कर रहा हूं तो आपने 1-1 इंच आपकी फ़िटिंग को बढ़ा लेना है, ठीक है, ताकि वो सिलाई में जाएगा 1-1 इंच। अभी हम इसको यहाँ से काटेंगे।
कमर पे से इसको बिल्कुल सीधा हम काटते हुए ले जाएंगे। ये बिल्कुल हमने जो है वहाँ तक कटिंग कर दिया। अभी जो इसका फालतू वाला पीस है वो हम हटा देंगे। अभी आप इसके जो है फ्रंट वाले हिस्सों की अराइज उतारेंगे। इसमें से हम दो पीस ले लेंगे जो हमारे फ्रंट वाले हैं, उनकी अराइज उतार लेंगे। अगर किसी ने सिंपल सूट की कटिंग सीखनी हो, कटिंग की वीडियो देखनी हो, तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसी फ्राक की अगर किसी ने स्टिचिंग देखनी है तो उस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पीस कटिंग हो गए। इसको जो है यहाँ से इस तरह प्लेटें डालेंगे ज्वाइंट करते वक्त, और इसको प्लेटें डालकर इस पीस के बराबर करेंगे। तो हमारी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए फ्यूचर में, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए स्टिचिंग और कटिंग के हवाले से लेडीज़ की। ये देखें, ये मेरी कटिंग हो चुकी है। और इसका दामन जो है नीचे का, उसके अंदर थोड़ा उरेब था तो वो भी मैंने अलग से कटिंग कर लिया है, तो मैं उसको भी इसके साथ ऐसे ज्वाइंट करूँगा। ये देखें इस तरीके से। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन पे प्रेस करें, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज पे भी आप लाइक करके फॉलो कर सकते हैं, लाइक और फॉलो करें, और फेसबुक ग्रुप भी और व्हाट्सएप ग्रुप भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।